नमस्कार, मेरा नाम पंडित अभिषेक गौतम है। मैं जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने जो अपने शरीर पे 631 मेरे वीरों के नाम लिखवाए हैं, उसके इंस्पिरेशन नो डाउट इंडियन आर्मी ही है। मैंने जब 2016 में एक बाइक राइड की लेह लद्दाख की, तो लेह लद्दाख आज जिस वजह से बचा हुआ है, जिस वजह से वह राइड जो है जो हम करते हैं, जो राइडर्स हैं, वो पॉसिबल है। तो कारगिल युद्ध में जिस प्रकार से कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों ने NH-1 को कवर कर लिया था, उसके बाद में हमारी भारतीय सेना ने जिस प्रकार एक अदम्य साहस दिखाते हुए एक विकट परिस्थितियों में उस NH-1 को सेव किया और हमारे मुल्क से एक बार फिर से एक पार्ट जो डिवाइड हो जाता लद्दाख, उसको बचाया। मैं हमेशा से कोशिश करता था कि वीर परिवारों से कैसे मिला जाए और मैं अपने वीर परिवारों से कैसे बता पाऊँ कि मैंने मुझे भी जो मेरे शहीद हैं उनसे बहुत लगाव है, उन्होंने जो मेरे देश के लिए और हमारी भारतीय भारतवासियों के लिए किया है, वो सेम फीलिंग वो मेरे दिल में भी है। तो मैं शुरू से 2010 से मैं बाइक राइड करता आ रहा था। मैंने जितने भी अपने देश के बड़े मंदिर हैं, चारों धाम, सातों पुरिया, 12 ज्योतिर्लिंग और जितनी भी मेरी देवी पीठ है, मैंने सब बाइक राइड करी थी। तो जब मैं एक वीरों का मक्का मदीना कहे जाने वाले कारगिल द्रास गया और कारगिल वॉर मेमोरियल में मैंने वीरों के नाम देखे, तो मुझे महसूस हुआ कि जिस समय हमने एक छोटी उम्र में केवल एक कारगिल वॉर को केवल एक डोनेशन कैंप की तरह हमने चलाया था, क्योंकि हमारी उम्र उस टाइम से 7, 8, 9, 10 साल की थी। तो हमें याद तो था कि कारगिल वॉर हुआ था, लेकिन कारगिल वॉर में कितनी क्षति हमारे देश के वीरों ने ली थी और कितने परिवार उस टाइम उजड़े थे, कितने यंग ऑफिसर्स और कितने यंग फौजियों ने जान दी थी, वह जान करके मेरा दिल सच में बहुत नरम हुआ और मैंने अपने आप से वादा किया कि आज के समय में सिंबल ऑफ लव कहे जाने वाले टैटू, जो भी अपने प्यार को दर्शाना चाहता है वह टैटू कराता है। तो मैंने अपने कारगिल के 569 शहीदों के नाम मैंने अपने शरीर पर अंकित कराए, उसके साथ साथ मैंने 11 महापुरुषों के चित्र भी अंकित कराए, जिनकी मैं कहानियाँ पढ़ करके उनसे मोटिवेशन लेकर के बड़ा हुआ। साथ में इंडिया गेट, जो अब तक जिस समय मैंने टैटू कराए थे, शहीद स्मारक और शहीदों के नाम के लिए जाना जाता था, और एक अमर जवान ज्योति का मैंने चित्र बनवाया। उसके साथ में मैं वीरों के परिवार से मिलना स्टार्ट किया, तो मैंने अब तक 631 लोगों के वीरों के नाम मैंने अपने शरीर पर लेकर आए हैं, जिनकी फैमिलियों से मैं मिल चुका हूँ, उनके नाम भी मैं ऐड कराता हूँ। और मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि मेरा जो मेरे वीर हैं, उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, हमारे जो युवा हैं वो उनसे प्रेरणा लेते रहें। मैं हमेशा अपने कोई भी अपने घर का त्यौहार, अपनी जन्मदिन हो, मैं सबसे पहले अपने वीर परिवारों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, फिर उसके बाद अपने घर वालों के साथ मनाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जो हम सांस ले रहे हैं उसका जो कारण है वो हमारे वीर हैं, जिन्होंने सेल्फ अपनी एक इच्छा से, स्वयं इच्छा से अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए दी। कितने परिवारों से अब तक मिल चुके हैं और क्या प्रेरणा उनसे लिए? मैं अब तक 550 से ज़्यादा परिवारों से देश भर में बाइक राइड करके मिल चुका हूँ। मैं उनको स्मृति चिन्ह में अपना एक जो वीरों का स्टैचू है उसका एक पोर्ट्रेट बनवा के देता हूँ और एक दीपक अर्पण करता हूँ। और सच बताऊँ तो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे वीर। मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, मैं कभी हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा है कि किस प्रकार, किस विषम परिस्थितियों में और किन कंडीशनों में रह करके हमारे वीर हमारे देश की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार आप सोचिए कि अपने घर में एक दिवाली, जन्मदिन या फिर कोई भी सेलिब्रेशन मनाने के लिए आप 10-15 दिन पहले तैयारी करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो त्यौहार है बहुत अच्छे से बने, उस त्यौहार को अपने बिना परिवार के सेलिब्रेट करते हैं, वह सीमा पर सुरक्षा में लगे रहते हैं, और उसी वजह से आज हम अपने देश में सारे त्यौहार और हमारी जितनी भी सुरक्षित हैं, उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। तो युवाओं का क्रेज़ कुछ और है, ये तो बिल्कुल अलग ही है आपका, तो कैसे मैनेज करते हैं, कुछ अलग से फील नहीं होता है नौजवानों को देख के? मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ में मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो मेरे वीर हैं उनकी गाथाएँ, नो डाउट वो हमारी जिस प्रकार से सुरक्षा कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, इतना बलिदान कोई नहीं कर सकता। तो प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हैं, अपना टाइम निकाल के शहीद परिवारों से मिलते हैं, काम पे कोई असर नहीं होता है? सर, मेरा जैसे मैंने बताया मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरी देश भर में कई जगह मैं काम करता हूँ, तो उसी के साथ साथ में
मैं अपना समय भी निकालता हूँ। मैं नहीं कहूँगा मेरे पास कीमती समय है, क्योंकि मैंने वो समय, अगर वो कीमती है जब कहलाया जाता है जब मैं अपने शहीद के परिवार के साथ हूँ या अपने वीर भाइयों के साथ हूँ, तब मैं उसको अपने समय को कीमती कहता हूँ। अपना काम तो दुनिया कर रही है, लेकिन जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप सोचिए कि एक अच्छा डॉक्टर जब अच्छा डॉक्टर बन सकता है तो देश सुरक्षित है, एक अच्छा इंजीनियर जब बन सकता है तो देश सुरक्षित है। तो जब सुरक्षा रखने वालों के लिए हम सम्मान नहीं रखेंगे तो हम अपने काम को कैसे कीमती बता सकते हैं। बहुत अच्छे। नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नौजवानों को यही मैसेज जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, आप केवल अपने समाज में किसी भी वीर परिवार, चाहे वो शहीद का परिवार हो, चाहे वो ऑन ड्यूटी अभी जो वीर हैं उनका परिवार हो, आप उनके पास जाइए, अपने त्योहारों को उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। उनके माँ बाप को ये बताइए कि आपका एक बेटा हमारे देश की सुरक्षा के लिए अगर सीमा पे है तो एक बेटा मैं भी हूँ, आप निसंकोच मेरे को फ़ोन मिलाइए, मेरे से बात कीजिए और मेरे को कोई काम बताइए। ये याद रखिए, अगर कोई भी वीर परिवार या आपको जो शहीद का परिवार है वो आपको अगर कोई काम बताए तो सोच लीजिए कि आपको उसने दिल से अपना लिया है, तो दिल से अपनाइए वीर परिवारों को और वो उनका हिस्सा बनिए।